दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा 100 दिन का रोजगार, सीटू चलाएगी मुद्दों को लेकर अभियान। पुलिस पेपर लीक मामले में नाहन में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, डीजीपी की मांगी बर्खास्तगी। मानैना ने खुशियों से भर दी झोली, पंजाब के भक्तों ने मन्नत पूरी होने पर अर्पित किए 2.56 किलो के चरण। आईटीआई जोगिंद्रनगर में 7 से शुरू होंगे टूर्नामेंट, 2 साल बाद होगा प्रतियोगिताओं का आयोजन। मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंची पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की माता हरपाल कौर। और अब खबरें विस्तार से। जिला हमीरपुर में मनरेगा मजदूरी में 100 दिन काम नहीं मिल रहा है। कुछ पंचायतों में जहां काम दिया जा भी रहा है, वहां पर 4 से 6 महीने बाद मजदूरों को वेतन दिया जा रहा है। अगर महीनों बाद मिलता भी है तो काम की असेसमेंट के नाम पर 50 से 100 रुपए दैनिक मजदूरी दी जा रही है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन का कार्य प्रदान करने, मजदूरों को 350 दैनिक मजदूरी देने के साथ असेसमेंट की धारा को निरस्त करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मनरेगा कानून के तहत पंचायत सचिव द्वारा कामगार के काम मांगने पर रसीद देने के मुद्दों को लेकर जिला के प्रत्येक गाँव में 15 जून तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 7,20,000 पर्चे वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय सचिव सीएटू का पूरे प्रदेश में और यहाँ पर हमीरपुर जिला में हमने तय किया है कि मनरेगा में जो काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है हमीरपुर में। विकास कर मनरेगा कानून है, रोजगार गारंटी का कानून, 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून, और 100 दिन का रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, या तो 10-10 दिन का भी नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो असेसमेंट हो रही है उसकी वजह से जो है मजदूरों की दिहाड़ी 40-50-60 रुपये से ज़्यादा खड़ी नहीं हो रही है, और उसको मजदूरों को डिस्करेज करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग ये भी है कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई जाए, 350 रुपये की जाए, जब दूसरे मजदूरों की दिहाड़ी 350 इनको भी दी जाए। पुलिस पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस सिरमौर ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर डीजीपी संजय कुंडू का पुतला फूंका, साथ ही सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल चौहान व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जालट के नेतृत्व में डीजीपी के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने मामले के असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस पेपर लीक मामले में केवल पेपर खरीदने वालों पर ही धरपकड़ कर रही है, जबकि पेपर सेटर पुलिस के बड़े अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी कड़ी में गुरुवार को युवा कांग्रेस कैंडल मार्च भी निकालेगी। कोई भी ऐसी भर्ती या कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो बिना वोटा लिखे हो या जो अदर में न लगती, हर बार अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, तैयारियों का उनके बेरोजगारी का उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए हम कोरोना काल से देख रहे हैं, कोरोना काल में इन्होंने घोटाले किए। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में कई बार 4 घोटाले हो जाते हैं। अब जो कि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है वो पुलिस भर्ती में किया गया था। पुलिस एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो जिसके कंधे पर दूसरे पूरे राज्य की एक करप्शन का एक भार होता है कि करप्शन को पुलिस देखेगी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही विभाग में जो है वो करप्शन को नहीं रोक पा रही। जिस प्रकार से मीडिया विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में 2 किलो 56 ग्राम चांदी के चरण माता को अर्पित किए हैं। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का कहना था कि माता जी के दरबार में मनोती की थी और आज पूरा परिवार माता के चरणों में माता के चरण अर्पित करने के लिए पहुंचा है। ये माता के चरण उन्होंने मंदिर के बाहर बने माता के चरणों के ऊपर स्थापित किए हैं। श्रद्धालुओं ने इस दौरान जहां मंदिर की परिक्रमा की, वहीं पर भजनों के द्वारा वातावरण को धार्मिक रंग में रंग दिया। 2 किलो 56 ग्राम चांदी है जी, ते माता दी चरणा दे विच भेंट करन आया जी अशोक कुमार हुशियारपुर तो जी। सुखना की तुसी सुखना कीती है जी, सारा ही सहोता परिवार आया होया है जी, उन्होंने रिटायरमेंट तों सुखना कीती सी जी, माता दे चरण चढ़ाने हैं ते अज सेवा करन आए हैं। Thank you.
आईटीआई जोगिंदरनगर में बॉयज और गर्ल्स की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जून माह में करीब 2 साल के बाद किया जाएगा। ये निर्णय मंडी आईटीआई में आयोजित 24 सरकारी आईटीआई और 7 गैर सरकारी आईटीआई के प्रिंसिपल ने बैठक में लिया। आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगर ने बताया कि 2 साल बाद आईटीआई जोगिंदरनगर में लड़कों की खेलकूद प्रतियोगिता 7 से 10 जून और लड़कियों की 14 से 17 जून तक मंडी आईटीआई में आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए आईटीआई में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आजकल जो है हमारे आईटीआई मंडी के इंटरनल जो ट्रेड की है स्पोर्ट्स मीट हो रही है, इन स्पोर्ट्स के दौरान जो है हम प्रैक्टिस भी बच्चों को करा रहे हैं तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टूर्नामेंट होंगे उसके लिए हम अपनी आईटीआई मंडी की जो टीम है वो सिलेक्ट करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट हैं वो आईटीआई जोगिंदरनगर में बॉयज़ के होंगे तथा आईटीआई वुमन मंडी में जो है वो गर्ल्स के जो टूर्नामेंट अभी जून महीने में होंगे। तो इसमें मुख्यतः जो खेल हैं वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉयज़ के लिए बास्केटबॉल और बैडमिंटन, इसके अलावा एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप तथा रेसेस में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400, 800 एंड 1500 रेसेस हैं। और इस बार जो है पहली दफ़ा जो है टेक्निकल एजुकेशन में बॉयज़ के लिए कल्चर एक्टिविटीज़ को ऐड किया गया है। इसी तरह जो गर्ल्स की जो स्पोर्ट्स मीट रहेगी उनमें कल्चर एक्टिविटी तो पहले से होती थी परंतु एथलेटिक्स नहीं होती थी, तो इस बार जो है सरकार ने फैसला किया है कि वो एथलेटिक्स भी गर्ल्स के लिए मीट रहेगी, स्पोर्ट्स मीट रहेगी। तो इसके पश्चात जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट हो जाएंगे तो हम एक अपने पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर भारत के विश्व विख्यात धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में बुधवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां हरपाल कौर पहुंची और पावन पिंडी के दर्शन किए। इस दौरान पुजारी राजन कालिया ने विधिवत तरीके से उनकी हाजिरी मां के दरबार में लगवाई। माथा टेकने के बाद मंदिर के सहायक अधिकारी अशोक डोगरा ने मां की फोटो और सिरोपा देकर इन्हें सम्मानित किया।